नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और मेरे दोस्तों, मैं होशियार मल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की। हाँ, पिछले 2-3 रोज से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया या कोई भी क्लास नहीं ली। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का आपको भी पता होगा। क्यों? क्योंकि पिछले 2-3 रोज से मैं गांव गया हुआ था रक्षाबंधन के पर्व के ऊपर। रक्षाबंधन का जो त्यौहार बनाया गया था उसके उपलक्ष में ये मानो कि मैं गांव गया हुआ था। इस कारण से मैं 2-3 रोज से कोई भी क्लास नहीं ले पा रहा था या ये कहो कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहा था। प्यारे विद्यार्थियों, उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। भारतीय इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सामाजिक सुधार अधिनियम। टॉपिक छोटा जरूर है लेकिन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि सती प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया, किस वर्ष लगाया, कहने का लव सती प्रथा प्रतिबंध कौन से नियम या धारा के द्वारा लगाया गया था। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, पीछे के पेपरों में कई बार पूछे भी गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लाडलो, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जरूर तैयार कर लेना, नोट्सों के अंदर इसको जरूर बनाना है। कहने का मतलब है सामाजिक सुधार अधिनियम, चाहे वो आज़ादी से पहले क्यों या आज़ादी के बाद भी कुछ अधिनियम कानून ऐसे बने हैं जिनके आधार पे हमारे समाज में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। ऐसी कुछ सामाजिक बुराइयां थी जिनके लिए अधिनियम कानून बनना बहुत जरूरी था। इसलिए ये मानो चाहे ब्रिटिश सरकार ने या ये कहो आज़ादी के बाद भारत सरकार ने ऐसे अधिनियम पारित करके ऐसे कानून बनाए थे। तो आज उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक तरफ अधिनियम दे दिए जाएंगे, एक तरफ वर्ष दे दिए जाएंगे और उसमें से मैच करवाएंगे या संगत असंगत बी मेल भी पूछ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो इस बात पर गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो तो हो जाओ तैयार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे सामाजिक सुधार अधिनियम की। सामाजिक सुधार अधिनियम के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ मेरे लाडलो। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि मैंने एक तरफ तो लिखा है अधिनियम, ये 15 अधिनियम है, दूसरी तरफ हमने लिखा है गवर्नर या गवर्नर जनरल, क्योंकि पहले गवर्नर थे बंगाल के, उसके बाद में भारत के गवर्नर जनरल बन गई जो उस समय की थी आज़ादी से पहले की। वर्ष, ये अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था और विषय किससे संबंधित था। मेरे लाडलो, गौर करो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2-3 रोज में कहीं आपने पढ़ाई छोड़ तो नहीं दी है। कहने का मतलब यही है कि अपनी निरंतरता कंटिन्यूटी जरूर जारी रखो। प्यारे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, हमें हमारी तैयारी रखनी है, हमें हमारी मेहनत करनी है जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा याद रखना कि सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। जो लोग सोच अच्छी रखते हैं, जो लोग सोच अच्छी रखते हैं वही दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान में रखना है आपको मेरे लाडलो। तो देखो, हम बात करेंगे अधिनियमों की, सामाजिक सुधार अधिनियम। नंबर 1, शिशुवध प्रतिबंध, जो कि गवर्नर कौन था, लॉर्ड विलेजली। लॉर्ड विलेजली यहाँ पे गवर्नर होगा बंगाल का। वर्ष था 1798,
क्योंकि 1798 से लेकर के और 1805 तक रहेगा लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर, जो कि इसका विषय था शिशु हत्या पर प्रतिबंध। जो शिशु हत्या की जा रही थी, छोटे बच्चों को ये मानो कि मारा जा रहा था, उनकी हत्या की जा रही थी, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए ये अधिनियम लाया गया था, शिशु वध अधिनियम। कब? 1798 में लॉर्ड वेलेजली उस समय गवर्नर थी। क्लियर है क्या? आ गया समझे? शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम कब बना? 1798 ईस्वी में बना था। क्लियर है? चलो तो आगे नंबर दो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे लगा लो महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि सती प्रथा प्रतिबंध, सती प्रथा निषेध कानून, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। वर्ष कौन था, कौन सा था? 1829। ये महत्वपूर्ण कई बार आता है, 1829। और धारा या नियम था 17, कौन सा था? 17, धारा कह दो या नियम कह दो 17, उसके तहत कहते कि सती प्रथा प्रतिबंध किया गया था, तो कहने को लो सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था राजा राममोहन राय के प्रयासों से, और ये मानो ये कानून बना था, लेकिन बनाया किसने था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया था, बेंटिंक ने बनाया था, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसलिए इसे तो जरूर तैयार करना है मेरे लाडलो। क्लियर है? आ गया समझ में? सती प्रथा प्रतिबंध, सती प्रथा निषेध कानून, धारा भी याद रखना, एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर धारा भी पूछी हुई है, तो धारा कौन सी होगी? 17, 1 और 7, 1 और 7 है, ठीक है, 17। उसके बाद में नंबर 3, दास प्रथा पर प्रतिबंध, जो कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? एलन बरो, जो कि 1843 दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। वैसे तो कहा जाता है कि दासता प्रथा को प्रतिबंध के लिए जो अधिनियम बन के आ रहा था वो चार्टर एक्ट 1833 की बात है, और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही गवर्नर जनरल थे भारत की, लेकिन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कब किया गया? तो 1843 में किया गया था। चार्टर एक्ट तो कौन सा था? 1833 वाला था, उसके अंदर ये प्रावधान किया गया था, लेकिन किया कब गया था? 1843 में। नंबर 4, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड केनिंग के समय 1856, याद करो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड केनिंग। अति महत्वपूर्ण क्यों? उसने तो कहा जाता है कि विधवा विवाह की अनुमति दे दी गई थी, इसलिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856। महत्वपूर्ण है, इसे भी तैयार कर लेना, जो कई बार पेपरों में पूछा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, 1856 ईस्वी की बात है, 1856 ईस्वी की बात है। उसके बाद में नंबर 5, नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक, जो कि 1872 अंतरजातीय विवाह के लिए ये अधिनियम लागू किया गया था। क्लियर है? नंबर 6, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो कि लेंस डाउन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे 1891 की बात थी, जो कि लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष, कितने की? 12 वर्ष। एज ऑफ कंसेंट एक्ट नाम से एक अधिनियम पारित किया था लेंस डाउन नाम करके, जो गवर्नर जनरल था उस समय भारत का, 1891 ईस्वी की ये बात है, जिसके अंदर लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद में नंबर 7, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शारदा एक्ट 1929। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन। याद करो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, बताओ प्यारे विद्यार्थियों? गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि
इस समझौते के तहत ही गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। बताओ यह गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, डेट बताओ प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो कहने का मतलब शारदा एक्ट 1929, इरविन उस समय भारत के गवर्नर जनरल कह दो या वाइस राय थे, जो कि वर्ष 1930 लागू कब होगा, 1930 में होगा, और एक्ट कब बनेगा, 1929 में बनेगा। ये बात भी याद रखना मेरे लाडलो, क्लियर है क्या, समझ में तो आ रहा है ना। हम बात करेंगे सामाजिक सुधार अधिनियमों की, चाहे वह आज़ादी से पहले के अधिनियम हो, चाहे आज़ादी के बाद में बने हुए कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिसमें अगर आप ज़्यादा कुछ तैयार नहीं करते हो तो कम से कम आपको अधिनियम और उसको पारित करने या लागू करने का वर्ष पता होना चाहिए कि किस वर्ष बना था वह अधिनियम। क्लियर है ना, आ गया समझ में, चलो तो आगे हम बात कर रहे थे शारदा एक्ट 1929, इरविन उस समय भारत के वायसराय थे, और 1930 के वर्ष में ये एक्ट अधिनियम पारित हुआ था, ये मानो लागू कर दिया गया था, जो कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान या प्रयास था वो किसका था, तो धाना हरविलास शारदा का था। हरविलास शारदा नाम करके जो व्यक्ति था उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, जैसे कि सती प्रथा में किसकी थी, राजा रामन राय की थी, हिंदू विधवा पुनर्विवाह में किसकी थी, ईश्वर चंद विद्यासागर की थी, उसी प्रकार शारदा एक्ट में हरविलास शारदा की थी। इसके अंदर लड़की के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष, लड़की के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष तय की गई थी शारदा एक्ट के तहत। तो कई बार तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, 14 और 18 वर्तमान में कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, बताओ कमेंट बॉक्स में, वर्तमान में शादी की आयु लड़की की कितनी होनी चाहिए और लड़के की कितनी होनी चाहिए, जो वर्तमान में जो अधिनियम चल रहा है उसके तहत सरकार ने कितने वर्ष की आयु तय कर रखी है शादी के लिए, आ गया क्या समझ में। वैसे तो देखो अपनी मर्जी से आप कहोगे घर वाले कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सरकारी जो नियम है, सरकारी जो अधिनियम बना हुआ है उसके तहत कितनी है वो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो नंबर 8, भरण पोषण अधिनियम 1946 में कब पारित हुआ, 1946। ये वर्ष याद रख लेना प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण है, इन वर्षों को ही तैयार कर लेना। नंबर 9, विशेष विवाह अधिनियम 1954। 10 नंबर है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। वेरी वेरी मोस्ट है, ये कई बार आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों, अस्पृश्यता, छुआछूत जिसको हम कहते हैं, ऊंच नीच की भावना, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। उसके बाद में 1976 में इसमें कुछ संशोधन किया गया, फिर उसके बाद में 1989 में इसे और कठोर बना दिया गया, कहने के अलावा फिर और संशोधन किया गया, और वर्तमान में 1989 का अधिनियम ही चल रहा है जिसका नाम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निरोधक अधिनियम, जो उनके ऊपर अपराध होता है उनके लिए, और बहुत ही कठोर है 1989 वाला, कहने मात्र से भी सजा का प्रावधान कर रखा है कि हम निम्न जाति दलित जाति, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, हम उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकते प्यारे विद्यार्थियों। तो ये 55 वाला तो जरूर ही याद रखना है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही अपने जीवन काल में ही ये अधिनियम ये नियम बनवा दिया था।
क्योंकि अम्बेडकर जी है वो खुद महार जाति के थे, उन्होंने उस समय देखा था कि भारत के अंदर दलितों के साथ किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, इसलिए उन्होंने कानूनी प्रावधान बना दिया था। और आपने देखा होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, निषेध किया गया कि छुआछूत नहीं होगी भारत में, सभी को समानता का अधिकार है, इक्विलिटी का अधिकार है, जो कि 14 से 18 और उसी में अनुच्छेद 17 अति महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, आ रहा है क्या कुछ याद, जो भारतीय राजव्यवस्था के अंदर मूल अधिकार पढ़ते हैं वहां पे आता है अनुच्छेद आर्टिकल 17 17 है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 11 नंबर हिंदू विवाह अधिनियम 1955, 12 नंबर है उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, 13 नंबर है दहेज निरोधक अधिनियम 1961, 14 नंबर है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1976, जो कि शादी की आयु लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष, और यही नियम वर्तमान में है, लड़की कितने वर्ष की हो जाए तब उसका ब्याह किया जाए, तो याद रखना 18 वर्ष की हो जाए तब उसका ब्याह शादी मैरिज होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों मेरे लाडलों, और लड़का कितने वर्ष का 21 का हो तभी उसकी शादी की जानी चाहिए। अगर बचपन में शादी कर दी जाती है तो आपको पता है कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कहा जाता ना बाल विवाह कैसी नादानी, जीवन भर आंखों में पानी। अगर बाल विवाह कर दिया जाता है तो ये मानो उसके जीवन भर ये मानो उसकी आंखों में पानी रहेगा, कहने के लिए उसको दुख ही दुख झेलने पड़ेंगे। उसके बाद में नंबर 15 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जो कि 2006 में संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, कहने के लिए महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा नहीं की जा सकती, उनको प्रताड़ना नहीं की जा सकती, उनके ऊपर अत्याचार नहीं किया जा सकता, ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम बना हुआ है 2005 जो 2006 में संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे सामाजिक सुधार अधिनियम 15 अति महत्वपूर्ण, जो बार बार कंपटीशनों में पेपरों में पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर तैयार कर लेना, अधिनियम और वर्ष तो जरूर ही तैयार करना, क्योंकि ऐसा देखा जाता है, मैंने पहले भी बता दिया ना कि एक तरफ अधिनियम दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ उसके वर्ष दे दिए जाएंगे और उसे मैच करवाएगा, संगत असंगत पूछ सकता है, मैच करवाना कूट मिलाना भी पूछ सकता है मेरे लाडलो, क्लियर है ना। आया क्या कुछ समझ में, सामाजिक सुधार अधिनियम के ऊपर आज हमने चर्चा की है प्यारे विद्यार्थियों संक्षेप में, केवल 15 ही अधिनियम मैंने यहाँ पे नोट किए जो अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं उन्हीं अधिनियमों के ऊपर आज हमने चर्चा की है मेरे लाडलो। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपने इतना कीमती समय निकाल करके मेरा ये वीडियो देखा और सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अंत में वही बात कहूँगा, याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और मेरे दोस्तों, सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना, सबका ख्याल तो रखना ही है पर अपना भी तो ख्याल रखना है, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, तो ये बात हमेशा याद होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।